सभापति स्वामी करमपाल जी, कमांडेंट सांगवान जी और बीरबान डुल जी, भरत सिंह बेनीवाल जी और अन्य सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और कुछ नौजवान साथियों एसबीसी से पीड़ित हैं, जो आप सबका यहाँ पे आने पे बहुत बहुत धन्यवाद। युवा होने के नाते मैं कुछ बातें युवा की कहना चाहता हूँ, बाकी तो आप सभी मुझसे समझदार हैं और जितने भी मामले हैं इन सब पे मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। लेकिन जो हमारी एसबीसी के युवाओं की जो आवाज़ थी, ऐसा कोई भी समाज का बड़ा चेहरा या कोई ऐसा नहीं रहा जिसके साथ हम ना मिले हों या जिसको हमने अपनी बात ना कही हो। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि सब बढ़ चुके हैं, कोई भी ये आवाज़ उठाना नहीं चाहता। इस मजबूरी में हमको खुद आगे आके नेतृत्व करना पड़ा कि भाई चलो बच्चों की आवाज़ है तो हम खुद ही उठा लेंगे। लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने ये बिल्कुल भी इस बात को संज्ञान में नहीं लिया और मैं धन्यवाद करता हूँ बीर बांडुल जी का, जिन्होंने हमें इस धरना स्थल पर जगह दी और 14 जनवरी से हम लगातार इनके साथ बैठे रहे। लेकिन वो अलग है कि आज जींद का जो परिणाम आया वो हमारे अनुकूल नहीं आया। हमने इनके जितना हो सकता था कि भाजपा की जितनी कमजोरियां और जितना इन्होंने भेदभाव की राजनीति करी है इसको हमने खूब उजागर करने का काम किया, पर परिस्थिति आज ये बन चुकी है कि अब इनका विरोध करते हैं तो भी हमारा नुकसान है, ना विरोध करते हैं तो भी हमारा नुकसान है। हम इस एक सामाजिक तौर पर हमको इतना आइसोलेट कर दिया गया है कि हम घर बैठ जाएं तो बढ़िया, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला। फिर से एकजुट होना पड़ेगा, फिर से जितने भी हमारे सारे बुद्धिजीवी हैं, जितने भी बड़े छोटे हैं, आपसी मतभेद भुला के, जितने पिछले जितने भाई अंदर हैं जेल में, 32 भाइयों ने जो आज शहादत दी, क्या इसी दिन के लिए दी थी कि जो परिणाम निकालने के लिए फिर से संघर्ष करना पड़े, फिर से जो हमारे जैसे बच्चे हैं उनको 1,000-2,000 रुपए कलेक्ट करके लड़ने पड़ेंगे? बल्कि 100-100 करोड़ अरबों तक बात चली गई, समाज पर पैसे की कमी नहीं थी, समाज ने अपना दिल खोल कर पैसा दिया है और सारे पैसे कहाँ गए वो आप सब जानते हैं। आज परिस्थिति है कि हम कानूनी तौर पर मजबूत नहीं हुए, जो अंदर हैं बच्चे वो भी अपने पैसे से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और जो हमारे जैसे बच्चे रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी अपने आप से ही पैसे कलेक्ट करके ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समाज का पैसा कहाँ गया? कहाँ गया वो जिला स्तर के प्रमुख जो बने थे? आपको मैं एक ही निवेदन करता हूँ, जैसे आपका यहाँ से आज चौथा चरण स्टार्ट होगा जाट जागृति यात्रा का, आप उसमें एक मुख्य मुद्दा हमारा भी उठाएं कि सरकार ने 2000 भर्तियों के होल डाल रखा है। साल 2013 में ऐसी कोई भी जाति नहीं थी प्रदेश में जिसको आरक्षण का लाभ नहीं मिला हो। उस समय 10% EBPG और 10% SBC सभी को लाभ दे दिया गया था, सभी 36 की 36 बिरादरियां आरक्षण से लाभान्वित थी। लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत ये खुद ही तो हमें आरक्षण देते हैं, खुद ही कोर्ट में फाइल डलवा देते हैं और आज ये परिस्थिति है कि हमने कोर्ट में केस डाला था कुछ दिन पहले, तो उसके खिलाफ फाइलें उससे पहले लग चुकी हैं। ये माहौल बना दिया इन्होंने और उसमें 140 पार्टियां बढ़ चुकी हैं जिसमें ऐसा कोई शख्स नहीं है यहाँ पर उपस्थित। 40 बंदे तो उसमें भी पार्टी मिलेंगे, खुद सांगवान साहब भी पार्टी हैं उसमें, मैं भी पार्टी हूँ, टेकराम कंडेला जी भी पार्टी हैं और 80-85 बच्चे और भी पार्टी हैं। तो कब जाके इसका फैसला होगा? ये सरकार चाहती नहीं, ये चाहती है कि हम इनका विरोध करें, इनकी राजनीति ऐसे ही चमकती रहे। लेकिन हमको एकजुट होना पड़ेगा, आपसी मनमुटाव को भुला के जितना ज्यादा हो सके। आप जस्ट बहुत अच्छी बात बताई सुमित भाई जी ने कि फिर से भाई वो नदी है भाई, बीच में ना रहो, चाहे तो पार कर जो, चाहे अपना कंठारे बैठे रहो। लेकिन जितने हमारे युवा भाई हैं सब ने आज इसी परिस्थिति है कि भाई जाटा पे कुछ रहा नहीं है बिल्कुल भी, गामा में डाबड़ी पाली है, चाहते किले पाली है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है। लेकिन उस सुखी चौधर में तो हम तो बड़े चौधरी हो, तो हम तो बड़े लैंडलॉर्ड हो, तो हमने क्या जरूरत? हमको वाक्य में जरूरत है जागृति यात्रा के तहत हम ये भी समझाएं कि हमारा समाज सच में जरूरतमंद है और जितने भी बच्चे जो हमारे अंदर हैं, जो हम इनकी मदद कर सकते हैं उसके लिए भी हम आगे आएंगे। और आज परिस्थिति जो हमको पैसे इकट्ठे करने थे, फिर कल ना कोई और चंदा चोर हो जाएगा, फिर उसने कह देंगे वो लेकर भाज गया। एक नियमित और अनुशासन के तरीके से पैसे को इकट्ठा किया जाए और नियम के साथ जो भी आप जिम्मेदारी देंगे, हम एसबीसी वाले बच्चे उनका जो मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, बच्चे आपके साथ भी जाने के लिए तैयार हैं जी, पूरे हरियाणा में भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति से बचना है कि फिर से कहीं भाजपा कोई लाभ ना हो जाए।
तो जितना भी हो सके हमको ये 35-1 वाली बात से दूर है हम, नहीं तो हमको इसमें कोई, हमारी तो समाज कभी भी नहीं ये चाहता था कि हम इनके खिलाफ जाएं। जो भी आज तक का भाईचारा बनाकर रखा है वो जाट जाति की वजह से ही भाईचारा बना हुआ था, ये तो इन्होंने बिगाड़ दिया बाहर से आके, कि कितने सारा आपस में आज भाई को भाई पसंद नहीं, पड़ोसी को पड़ोसी पसंद नहीं, माहौल इतना बिगाड़ दिया कि कोई किसी के न्योंदे तक नहीं खाने जा रहा। तो इस चीज से दोबारा से हमने भाईचारा कायम करना है, गांव गांव में जाकर 36 बिरादरी के भाईचारे को कायम करके, और जितनी भाजपा ने बच्चों के साथ जो भेदभाव कराया है, जो SBC समाज, SBC की फुल फॉर्म नहीं पता है हमारे अधिकतर जाट नेताओं को, और SBC में कितनी जाति आती है काफी सारों को तो ये भी नहीं पता, SBC का नाम लेते ही सीखा दे आगे जाट आरक्षण मांगने वाले आगे भाई। तो एक बात ये बताओ कि हम अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम तो जाट के साथ सरदारों की लड़ाई, रोड की लड़ाई, बिश्नोइयों की लड़ाई, त्यागी समाज की लड़ाई, सबके लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो अलग बात है कि शहादत सिर्फ हमारे बच्चों ने दी, लेकिन हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि वो भी खुल के हमारे साथ आवे, वो भी हमारे साथ चले, और जो भी प्रयास हो सके उसमें हम एकजुट होकर प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब आपके बीच में बाबा संतोष सिंह,